नमस्कार, मैं रवि कांसना एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैनल पर बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि इस वीडियो में आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्लियर हो जाए। बिना देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है? हमारे पास कई सारे ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में कई सारे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की जब बात आती है तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझना। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो है जैसे मैं, आप, कोई भी हो सकता है सब्जेक्ट। कोई वस्तु हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है सब्जेक्ट, ठीक है। जहां पर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है तो वो हो जाएगा एक्टिव वॉइस, और जहां सब्जेक्ट पे काम हो रहा है वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। नहीं समझे? मतलब इंग्लिश इज स्टडीड बाय मी, इंग्लिश इज स्टडीड बाय मी। एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा? आई स्टडी इंग्लिश, आई स्टडी इंग्लिश। और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? इंग्लिश वॉज स्टडीड बाय मी। एक्टिव वॉइस को थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस जनरली हम बहुत सारी चीजों में लिखते हैं। जब भी हम एक्टिव से समझते हैं, एक्टिव वॉइस का मतलब होता क्या है? कोई चीज डायरेक्टली कह देना। When we are expressing something in a direct way, active voice is means you are saying in a clear cut tone. You are not adding something into the sentence and making it more complicated like this. No, monkeys adores bananas. Monkeys loves bananas, right? Cashier counted the money. यहाँ पर भी clear cut tone में कहा गया है कि cashier का काम क्या है? पैसे गिनना। तो वो पैसे गिनता है, right? The dog chased the squirrel. डॉग जो है स्क्वायरल के पीछे पीछा करता है, ठीक है। अब ये स्क्वायरल पीछा किया गया डॉग के द्वारा, ये नहीं कहा गया। ये क्या हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस जस्ट उसका एक्टिव वॉइस समझ गए। पैसिव वॉइस समझना डिफिकल्ट नहीं है। पैसिव वॉइस क्या है? सब्जेक्ट पे एक्शन होता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर। लेकिन उस केस में जहां पर सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो वहां पर पैसिव वॉइस का सवाल पैदा नहीं होता, वहां पर पैसिव वॉइस नहीं लगता, ठीक है। जैसे हाँ, आई एम हैप्पी, ही शुड बी पोलाइट। यहाँ पर कोई भी, आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं है क्लियर कि सब्जेक्ट किस पे एक्शन लेगा या फिर ऑब्जेक्ट किस पे। अब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो सब्जेक्ट सवाल ही नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है एक्टिव वॉइस में ही रहेंगे, इसे हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते, ठीक है। कुछ एग्जांपल पैसिव वॉइस के हम यहाँ पर देख सकते हैं। बनानास आर एडोर्ड बाय मंकी, मंकी एडोर्ड बनानास, एक्टिव वॉइस में हो गया। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? बनानास जो है ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया, आर एडोर्ड बाय द मंकीज, यहाँ पर आर लग गया, एडोर का क्या हो जाएगा? एडोर्ड हो गया, ठीक है, ईडी लग गया। सेकंड पॉइंट, मनी वॉज काउंटेड बाय द कैशियर, वहां पर क्या था? कैशियर काउंटेड द मनी, कैशियर काउंटेड द मनी, मनी वॉज काउंटेड बाय द कैशियर। फिर क्या था? द डॉग चेज द स्क्वायरल, द स्क्वायरल वॉज चेस्ड बाय द डॉग, ठीक है। यहाँ पर वॉज लग गया और स्क्वायरल पहले आ गया और डॉग बाद में आ गया। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत ही क्लियरली तरीके से यहाँ पर बताया गया है, सिंपली तरीके से चेंज किया गया। आगे हम और समझते हैं इसको। यहाँ पर आप बेसिक फॉर्मूला देख लीजिए। सब्जेक्ट अगर हमारा आई वी यू ही शी इट दे फॉर्म में है तो सबके साथ बाय के साथ आप देख लोगे, आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, यू का हो जाएगा यू, ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट, दे का हो जाएगा देम। तो सबके साथ बाय के साथ ये यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर हम बोलेंगे आई डू दिस वर्क, दिस वर्क इज डन बाय मी, सिंपल सिंपल। द हंटर किल्ड द लायन, यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लियर है, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस में है कि हंटर ने किसको मारा? लायन को मारा। अटैक किस पे हो रहा है? ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो लायन पहले आ जाएगा, लायन किसका जगह ले लेगा? सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। तो द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर। Someone has cleaned the windows. The windows have been cleaned. So has cleaned का क्या हो जाएगा? Have been cleaned. यानी continuous, perfect continuous tense. Have been cleaned. Right? तो यहाँ has का क्या हो जाएगा? Have been हो जाएगा.
I will clean the house every Saturday. I will clean the house every Saturday. तो passive voice क्या हो जाएगा? The house will be cleaned by me every Saturday. Right? यहाँ पर हम देख सकते हैं different tenses in the active voice और passive voice में. Simple present में हम देखते हैं he eats an apple. ये simple present tense है. इसका passive voice क्या हो जाएगा? An apple is eaten by him. An apple is eaten by him. यहाँ पर क्या change हुआ? यहाँ पर eat का क्या हो जाएगा? Eaten हो जाएगा. Second form लग गया और apple जो है object पहले आ गया और यहाँ पर is आ गया. यानी simple आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया और he की जगह क्या हो जाएगा? Him यूज किया गया. Present continuous में क्या हो जाएगा? He is eating an apple. वो apple खा रहा है. Passive voice में क्या हो जाएगा? An apple is being. इसके साथ क्या आ जाएगा? Being आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ing form है. Being eaten. Eating का क्या हो जाएगा? Eaten हो जाएगा. Second short form लग जाएगा by him. Present perfect में देखते हैं he has eaten an apple. उसने apple खाया. Passive voice में क्या हो जाएगा? An apple has been eaten by him. An apple has been eaten by him. तो has का क्या हो जाएगा? Has been हो जाएगा. ठीक है? Simple past. यहाँ पर हम देख सकते हैं difference कहाँ पर हमारा change हो रहा है. Eaten जो है eaten ही रहा present perfect में. Continuous में जो has ing से किस form में चला गया? वो second form में चला गया. Right? Simple present में भी change हुआ है, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट में है सिंपल पास्ट में क्या लिखा जाता है? ही एट एन एप्पल. वो एप्पल खाया. एन एप्पल वॉज ईटन बाय हिम. तो यहां पर चेंज हो गया. ईट एट ईटन थर्ड फॉर्म लग गया. एन एप्पल वॉज ईटन बाय हिम. वॉज यहां पर लग गया और ईटन हो गया एट का. कंटिन्यूस में देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस में. ही वॉज ईटिंग एन एप्पल. ही वॉज ईटिंग एन एप्पल. एन एप्पल वॉज बींग eaten. Then वही चीज हो गई. इस being की जगह क्या हो जाएगा? Was being eaten by him. Past perfect में क्या हो जाएगा? He had eaten an apple. वहाँ पर has eaten आया है, had eaten आया. The apple had been eaten by him. Simple सी बात. ठीक है, had का had been हो गया, has का have been हो गया, has been हो गया. ठीक है, जहाँ पर he और she की बात हो रही है. Simple future की बात करें, he will eat an apple. वो apple खाएगा. An apple will be. Will के साथ क्या आ जाएगा? Will be eaten by him. I hope it is clear. यहाँ पर कुछ और example हम देखते हैं. Police arrested him. Police arrested him. Police ने उसको गिरफ्तार किया. He was arrested. Him जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा? Active voice में है. वो passive voice में जाने के बाद क्या हो जाएगा? He में convert हो जाएगा. He was arrested. उसे गिरफ्तार किया गया. People speak English all over the world. तो English is spoken. Speak का क्या हो जाएगा? Spoken. बोला जाता है all over the world. A teacher teaches English here. तो यहाँ पर teacher teaches. Teaches का क्या हो जाएगा? Taught हो जाएगा. ठीक है? Third form हो जाएगा. English is taught here. No one desire rights. Rights are not desired. I will not tolerate this nonsense. I will not tolerate this nonsense. This is a clear indication that you are not going to tolerate this. Passive voice में क्या हो जाएगा? This nonsense will not be tolerated by me. तो tolerate का क्या हो जाएगा? Tolerated हो जाएगा. और will के साथ क्या आ जाएगा? Be आ जाएगा. This nonsense will not be tolerated by me. I का नहीं हो जाएगा. कुछ और examples. They are laughing at you. You are being laughed at by them. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? You पहले आ जाएगा और are being आ जाएगा. Are के साथ क्या आ जाएगा? Being. Laughing का क्या हो जाएगा? Third form. Laughed at by they का them. You are not taking the exam seriously. You are not taking the exam seriously. Yes. The exam was not being taken seriously by you. तो यहाँ पर exam पहले आ गया और were not की जगह से क्या आ गया? Was not being taken seriously by you. Third है, who has seen him? Who has seen him? अगर WH question form, WH form में question आ गया who, why, where, तो उसको हम passive voice में कैसे convert करेंगे? तो who का क्या हो जाएगा? By whom. यहाँ पर who का क्या हो जाएगा? By whom has he been seen? The news has surprised us. We have been surprised at the news. We have been surprised at the news.
हम लूज द सरप्राइज टू इट, ठीक है। यहां पर हैव सरप्राइज का क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। द कमिटी हैड लुक्ड इनटू द मैटर इंपार्शियली बिफोर ही वाज फाउंड गिल्टी। द मैटर हैड बीन लुक्ड इनटू बाय द कमिटी इंपार्शियली बिफोर इट फाउंड हिम, ठीक है। Have you broken the glass? Active voice में हो जाएगा Have you broken the glass? Interrogative form है ये। Passive voice में क्या आ जाएगा? Have की जगह has आ जाएगा। Has the glass been broken by you? यहाँ पर ध्यान देना कि interrogative form हो चाहे किस form है वहाँ पर been लगेगा। Has the glass been broken by you? Who wrote the Ramayana? By whom was the Ramayana written? By whom? Who का क्या हो जाएगा? By whom wrote was the Ramayana written? ठीक है। Whom have you invited? यहाँ पर active voice में तो whom से क्या हो जाएगा? Who बन जाएगा? Who has been invited by you? ठीक है। To के साथ verb का first form, to के साथ passive voice में be plus verb का third form। जैसे I am to do it का क्या हो जाएगा? It is to be done by me। I am to do it, it is to be done by me। You are to write it in ink. It is to be written in ink. तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग रहा है, पता है कि do का done हो गया, write का written हो गया। Teacher gave me a book to read. I was given a book by my teacher to read. ठीक है? I was given a book by my teacher to read. ठीक है? तो यहाँ पर was आ गया, give का क्या हो जाएगा? Given हो जाएगा और बाकी वैसा ही जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एस के साथ सब्जेक्ट के साथ अगर हैज हैव हैड लगता है प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो ऐसे वर्ब में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हैज हैव हैड प्लस टू प्लस बी आ जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे आई हैव टू फिनिश दिस वर्क दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाय मी। यहाँ पर वर्ब का क्या फॉर्म आ गया? थर्ड फॉर्म आ गया, पहले फर्स्ट फॉर्म में था। You have to choose a dress. A dress has to be. Have का क्या हो जाएगा? Has to be chosen by you. Shut the door. Let the door be shut. You are ordered to shut the door. Passive voice में हो जाएगा. Go away. You are ordered to go away. Help the poor. The poor should be helped. Help का क्या हो जाएगा? Helped हो जाएगा। Let him do this work. Let this work to be done by him. ठीक है? Let us organize a party. Passive voice में क्या हो जाएगा? A party should be organized. Let us help the poor. The poor should be helped. सब में देखिए be आ रहा है। Rose smells sweet. Rose smells sweet. Rose is sweet when it smells. Quinine tastes bitter. Quinine is bitter when it's tasted. तो यहाँ पर when का use किया गया है, आप देख सकते हैं तो universal truth है, उसको अगर हम यहाँ पर use करें तो when का use कर सकते हैं। Rose is sweet when it's smelled. Quinine is bitter when it's tasted. Those mango tasted sour. Those mangoes were sore when they are tested. Call the police at once. Let the police be called at once. Newton wrote this letter yesterday. This letter was written by Newton yesterday. So that's all in this session. बच्चों मिलते हैं next video में। उम्मीद है ये video काफी आपको अच्छा लगा होगा, encouraging लगा होगा और आप active voice, passive voice समझे होंगे और इसको आप ज्यादा से ज्यादा practice करें और ताकि आपको concept clear हो जाए और आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जो भी सवाल आते हैं उसे आप अच्छे से बना सकें।